हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ चिराग। स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एनएक्स वर्ल्ड डिजाइन में। सो फ्रेंड्स, आज जो हम देखने वाला है इस ट्यूटोरियल में वो है असेंबली। तो किस प्रॉपर वे में हम असेंबली कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए, और हमारा जो न्यू पेरेंट हम बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, उसे किस तरीके से यूज में लेना है, फिर जो हमारा प्रोडक्ट का इंटरफेस है उसको हम असेंबली में किस तरीके से यूज करने वाले हैं, तो ये सभी टॉपिक हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने एक असेंबली तैयार करके रखी है कि इस तरीके की असेंबली हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने जो कंपोनेंट बनाए हैं उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन में जाके यहाँ पे ये जो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है असेंबली है, ये है फ्लोइंग, जो फ्लूइड फ्लो करता है उस पाइप में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, प्रेशर गेज या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम किस तरीके से माउंट कर सकते हैं, वो कहाँ पे फिट होते हैं, वो हम आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले ये ड्राइंग है, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका इनलेट है, दूसरा है उसका आउटलेट है, और तीसरा जो दिया गया है वो इसके यहाँ पे जो रबर की रिंग्स या वो सील होते हैं उसको यहाँ पे प्रोवाइड करा जाता है, क्योंकि लीकेज प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए। इसी तरीके से सेम इसके ओपोनेंट जो कंपोनेंट फिट होता है, यहाँ पे एक रिंग होती है रबर की ताकि लीकेज रोक सके, ये दोनों ओर होती है। तो पहले हमें इंटरफेस का यूज किस तरीके से करना है, तो पहले यहाँ पे मेनू में आइए। मेनू में आने के बाद प्रिफरेंसेस में आइए, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिए गए विजुअलाइजेशन, कंट्रोल शिफ्ट व्यूज का शॉर्टकट से यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने यहाँ पे कई सारे टैब्स अवेलेबल है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे आखिर में आ जाइए। यहाँ पे आपको दी गया ऑप्शन दिया गया है प्रोडक्ट इंटरफेस ऑब्जेक्ट, हमें आज इसका यूज सीखना है, तो इसे सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद हम कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेते हैं हमारे पार्ट्स को, तो ये हमारा पार्ट सेव हो गया। उसके बाद आप असेंबली में आइए। असेंबली में आने के बाद यहाँ पे जनरल टैब में एक ऑप्शन दिया गया है, वो है प्रोडक्ट इंटरफेस का। यहाँ पे इसका यूज क्या होता है, कई बार क्या होता है कि सपोज मान लीजिए ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल कोई अलग होता है, यहाँ बीच में कोई अलग होता है, यानी कि कंपोजिट मटेरियल को डिफाइन करना होता है, या कोई फेसिस है इसको डिफाइन करना है, क्योंकि हम जब असेंबली बनाते हैं तब कंस्ट्रेंट या और कुछ जो हमें देना है वो आसानी से दे सकते हैं, तो वो हम आगे देखते हैं किस तरीके से हम इसे कंस्ट्रेंट करेंगे ऑटोमेटिक तरीके से यूज करने के लिए। तो पहले मैं यहाँ पे कंपोजिट फेस का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें जो जो फेस है उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इनलेट हो गया, फिर हमारा आउटलेट हो गया, और इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे हमारा जो ये योक है, जो हमने जहाँ पे जो लिखा है उन सभी फेस को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शायद नहीं हुआ अच्छी तरह से, तो हमें क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है, ये इसकी फेस को डिटेक्ट नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना, ये फेस हमारी पहले से ही सिलेक्ट हो गई थी इसलिए ये दोबारा सिलेक्ट हो नहीं पा रही थी। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने कौन कौन सा पार्ट सिलेक्ट किया वो दिखाएगा। ये आपका इनलेट हो गया है, ये आपका योक हो गया है, देख रहे हैं ये ग्रीन पट्टी में आ रहा है, इसके बाद ये आउटलेट हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी में जाइए, और यहाँ पे देखिए इंटरलिंकिंग ऑलआउट देना है, हम सभी के साथ इंटरलिंकिंग करेंगे इसका, और असेंबली कंस्ट्रेंट में इसे सिलेक्ट करना है। फिर आप इसकी प्रॉपर्टी में चले जाइए, तो ये आपका क्या है, इनलेट है, तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, आपने यहाँ पे इसका नाम दे दिया। इसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मटेरियल है, ऑब्जेक्ट का मटेरियल, मेन मटेरियल, इसको आप डिफाइन करना चाहिए तो इसकी प्रॉपर्टी में जाके फॉर्मूला या कुछ इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, और इसे ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए इसका नाम इनलेट हो गया,
हम इसका दूसरे इस मिडिल वाले का भी नाम चेंज करते हैं, इसका नाम देते हैं योक, इसे भी हम ओके करते हैं। इसके बाद आता है हमारा आउटलेट और इसे ओके कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमने जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आया था इसे ही रहने दिया है, अगर ये नहीं है तो आप इसे सेट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये हमने पहले इसका जो इंटरफेस था उसको हमने ऑब्जेक्ट का डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट में क्रिएट न्यू पेरेंट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे असेंबली में हम देंगे इसका नाम सब असेंबली वन, सब असेंबली वन पे नाम रख के इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए पूरी हिस्ट्री मॉडल की चली गई, ये हमारा पार्ट नेविगेटर है, पार्ट की हिस्ट्री चली गई। तो यहाँ पे आप देखिए असेंबली नेविगेटर में यहाँ पे सब असेंबली करके उसकी पेरेंट आ गई। यहाँ पे आप अपनी बॉडी है, यहाँ पे आप जो भी कंपोनेंट लाएंगे वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एड कंपोनेंट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे से आपको कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है, हमें यहाँ पे योक सिल को सिलेक्ट कर ओके कर दिए। इसके बाद इसे आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे कितनी सील्स आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काउंट भी डाल सकते हैं। फिर मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं ये जैसे मैं इसको नजीक ले जाता हूँ यहाँ आप देखिए रेड हो गया, ये कंस्ट्रेंट आए। फिर यहाँ पे आप देखिए मूव है और कंस्ट्रेंट है, तो आप कंस्ट्रेंट पे क्लिक कीजिए और इसे यहाँ पे रख दीजिए इस फेस पे। तो हमें अब कंस्ट्रेंट देना है, तो हमें क्या कौन सा देना है, पहले हम देते हैं टच अलाइन में अलाइन का। तो पहले मैंने सेंटर लाइन इसकी सिलेक्ट करी। इसके बाद हमें इसकी सेंटर लाइन सिलेक्ट करनी है, ये दूसरी सेंटर लाइन, और हमने ओके कर दिया। फिर उसके बाद हमें तो पहले चेक करते हैं हमने जो कंस्ट्रेंट दिया वो सही तरीके से कंस्ट्रेंट हो रहा है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में गैप रहा है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है लेकिन इस डायरेक्शन में पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो हमें इस डायरेक्शन को इसकी रिस्ट्रिक्ट करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे, तो पहले हम असेंबली कंस्ट्रेंट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से अलाइन में आएंगे। फिर इसके बाद इस फेस को इस फेस के साथ अलाइन कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए कन्फ्लिक्ट हो गया, तो इसका रीजन क्या है, जो ए वाली फेस है वो पलट कर उसके साथ चिपक गई, तो इसे रिवर्स कर दीजिए, हो गया ओके कर दीजिए। तो ये हमारा एक जो योग का सेल था हमने वो प्रोवाइड करवा दिए इस रिंग को। अब हमें क्या करना है, इस बॉडी को हाइड कर देते हैं ताकि यहाँ पे जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो हम आसानी से इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो दूसरा कंपोनेंट है वो है हमारा जो वाल्व है उसका हेड है, जहाँ पे आप चाहे तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट या प्रेशर गेज या कुछ ऐसा इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको कंस्ट्रेंट दे देता हूँ। इसकी सेंटर लाइन मैंने सिलेक्ट की, उसके बाद इसकी सेंटर लाइन में सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए अब इसको मूव करवाएंगे, तो ये वर्टिकली मूव हो रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। अब इसे भी सेम तरीके से हम अप्लाई करेंगे, असेंबली कंस्ट्रेंट में अलाइन करेंगे, इस फेस को इसके साथ हमने अलाइन कर दिया है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, ओके करेंगे। तो ये हमारा पूरा असेंबली तैयार हो गया। अब हाउसिंग बॉडी को हम शो करवा लेते हैं, तो आप देखिए ये पूरा हमारी असेंबली तैयार हो गई, लेकिन अभी भी एक कंस्ट्रेंट बचा है, वो है इस होल का कंस्ट्रेंट। ये होल सारे जो हमारी बॉडी के ऊपर हमने जो होल बने हैं उसके साथ भी मैच होने चाहिए। तो पहले मैं इसको स्टैटिक में ले जाता हूँ, स्टैटिक वायर फ्रेम में, तो पूरा बॉडी का वायर फ्रेम आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पे जो हमारा वाल्व है उसका
हॉल है और ये हमारी पूरी बॉडी है उसका हॉल है। तो अब हम क्या करेंगे, असेंबली कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, वापस से इसको हम अलाइन करेंगे। अलाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी सेंट्रल लाइन को सिलेक्ट किया है, उसके बाद इस वाले होल की सेंट्रल लाइट को हमें सिलेक्ट करना है। तो आप इसे किस तरीके से करेंगे, हाँ इसे कंटिन्यू करेंगे, ओके कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने जो कंस्ट्रक्शन दिया वो देखिए रेड हो गया, तो इसे हम वापस से, हमने जो आखिरी वाला दिया था वो ही था, ओके उसको रिवर्स करेंगे, ओके कर देंगे, ओके। ये कौन से थे, ये इसके बाद कंस्ट्रक्शन कंफ्लिक हो रहा है, वो कौन सा हमें ढूंढना है, फिर हमें उसे ठीक करना है। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से पूरी असेंबली को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे से आपको मैं इसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्लिप सेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका पूरा असेंबली का व्यू यहाँ पे आ गया, इसे ओके करेंगे। अब यहाँ पे आप इसे जूम करके देख लीजिए हमारी जो असेंबली वो परफेक्ट हुई है या नहीं, तो आप यहाँ पे देखिए कोई भी गैप नहीं बचा, हमने अच्छी तरीके से हमारी असेंबली को कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से पेरेंट और चाइल्ड का यूज़ होता है असेंबली में, ताकि कहीं बार क्या होता है कोई छोटा मोटा चेंज करना हो तो उसी सिर्फ उसी असेंबली में हम सिर्फ चेंज करेंगे। तो गाइस फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।